Hello student, I welcome you to this class. This is a lesson for students of class 9th. This is unit 9 in your books. It is a poem. The name of the poem is Lord Ullin's Daughter. It is written by Thomas Campbell. जैसे कि हमें टाइटल से ही पता चल रहा है ये कहानी लॉर्ड उलिन की बेटी की है. The poem is in the form of a ballet. Now what is a ballet? Ballet poetry means जब आप कोई कहानी कोई स्टोरी सुना रहे हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम. तो इस पोएम में हम जो कहानी पढ़ेंगे इट इज अ ट्रेजिक स्टोरी. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ट्रेजिक? ट्रेजिक मीन्स इट एंड्स इन सैडनेस. इस कहानी का अंत दुख में होता है, ग्रीफ में होता है, सैडनेस में होता है, डेथ में होता है. सो इट इज अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ टू लवर्स, दो प्रेमियों की दुख भरी कहानी. और वो लवर्स कौन है? एक तो है लॉर्ड उलिन्स डॉटर, जिसके नाम पे इस पोएम का टाइटल दिया गया है, एंड उसका प्रेमी जो कि एक क्लैन का मुखिया है, एक चीफ है. तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द टॉपिक्स विच वील कवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट द पोएट थॉमस कैंपेल, देन आई गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम, देन आई रीड द पोएम, एक्सप्लेन इट टू यू एंड गिव द लिटरेरी डिवाइसेस. उसके बाद हम इसकी एक समरी देखेंगे और फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स. सबसे पहले इस पोएम के पोएट थॉमस कैंपबेल. ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1777 इन स्कॉटलैंड एंड ही डाइड इन द ईयर 1844 इन फ्रांस. थॉमस कैंपबेल इज चीफली रिमेम्बर्ड फॉर हिज सेंटिमेंटल पोएट्री डीलिंग स्पेशली विद ह्यूमन अफेयर्स. जैसे कि इस पोएम में भी दो प्रेमियों की कहानी है, उनके लव अफेयर की कहानी है. ये थॉमस कैंपबेल की खासियत है. उनकी ज्यादातर राइटिंग्स में हमें ऐसे ही ह्यूमन अफेयर्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं. हिज नोटेबल वर्क्स आर द प्लेजर्स ऑफ होप रिटन इन द ईयर 1799, ये मैरिनर्स ऑफ इंग्लैंड, द सोल्जर्स ड्रीम, होहेन लिंडन, एंड इन द ईयर 1801 ही रोट द बैटल ऑफ द बाल्टिक. तो थॉमस कैंपबेल के कुछ फेमस वर्क्स के नाम यहां पर दिए गए हैं. नाउ आई गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम. इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ टू लवर्स. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, एक दुख भरी कहानी है जहां पर ये दोनों प्रेमी एंड में मर जाएंगे. लॉर्ड उलिन्स डॉटर लव्स द चीफ ऑफ अनदर क्लैन उल्वा. अब लॉर्ड उलिन की डॉटर एक लड़के से प्यार करती है जो कि उल्वा नामक क्लैन का चीफ है, वहां का मुखिया है. एज लॉर्ड उलिन डज नॉट एक्सेप्ट दिस द लवर्स रन अवे. अब हमने बहुत सारी बॉलीवुड पिक्चरों में भी देखी होगी ये कहानी कि दो प्रेमी होते हैं लेकिन उनकी फैमिलीज उनके इस प्रेम के अगेंस्ट होती हैं, इसलिए वो दोनों घर से भाग जाते हैं. इस पोएम में भी यही देखने को मिलेगा. लॉर्ड उलिन अपनी बेटी के इस अफेयर के अगेंस्ट हैं और इस वजह से उनकी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है. एज दे ट्राई टू क्रॉस द स्टॉर्मी सी ऑफ लॉश दे गेट ट्रैप्ड इन इट एंड फाइनली ड्राउन. अब ये दोनों प्रेमी जब भाग रहे होते हैं तो रास्ते में एक समुन्दर आता है और उसमें बहुत बड़ा तूफान आया होता है. उनको बोट वाला भी कहता है कि आप इस तूफान में मत जाओ, लेकिन लॉर्ड उलिन की बेटी कहती है कि मैं इस स्टॉर्मी सी का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने फादर से बचना चाहती हूं. तो वो दोनों इस समुन्दर में उसको पार करने के लिए घुस जाते हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है, वो इस समुन्दर में डूब जाते हैं. लॉर्ड उलिन सीज हिज डॉटर ड्राउनिंग, कॉल्स आउट फॉर हर, प्रोमिसेस टू एक्सेप्ट देम, बट इट इज टू लेट. तभी वहां पर लॉर्ड उलिन भी पहुंच जाते हैं. वो देखते हैं कि उनकी बेटी समुन्दर में डूब रही है. वो उसको आवाजें लगाते हैं, वो कहते हैं कि प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है. द लवर्स डाय बाय ड्राउनिंग इन द सी. और फाइनली लॉर्ड उलिन की बेटी और उसका प्रेमी दोनों इस समुन्दर में डूबकर मर जाते हैं. Now we'll read the poem, I'll explain it to you and alongside we'll discuss the literary devices also. Stanza number 1. A chieftain to the highlands bound cries, boatman, do not tarry, and I'll give thee a silver pound to row us over the ferry. अब यहां पर कुछ
archaic words use हुए हैं. Archaic means old fashioned words. ऐसे words जो कि अब English language में use नहीं होते. जब भी ऐसा कोई word आएगा मैं आपको उसका meaning और explanation वहीं पर बता दूंगी. सबसे पहले chieftain क्या होता है? A head of a clan or tribe. Here it refers to the lover of Lord Ullin's daughter. Lord Ullin की बेटी का जो प्रेमी है वो एक clan का एक ट्राइब का मुखिया है और उसे चीफटेन कहा गया है. हाइलैंड्स हियर मींस द माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड. टैरी मींस टू लिंगर और टू डिले, किसी काम को लेट करना. दी इज एन ओल्ड फैशन वर्ड. दी मींस यू. सिल्वर पाउंड हियर रेफर्स टू अ कॉइन और अ मनी विच इज मेड ऑफ सिल्वर. एंड फेरी इज अ बोट और अ स्मॉल शिप, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट अ चीफटेन, द चीफ ऑफ अ क्लैन इज बाउंड टू द हाइलैंड्स, मींस ही इज गोइंग टू द हाइलैंड्स, टू द माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड. एंड ही क्राइज मींस ही कॉल्स आउट. वो बोटमैन को बुलाता है, उसे कहता है बोटमैन डू नॉट टैरी, बोटमैन देर मत करो, जल्दी करो और मैं तुम्हें एक सिल्वर का पाउंड दूंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा टू रो अस ओवर द फेरी, हमें अपनी बोट में बिठाकर समुन्दर के दूसरे किनारे ले चलो. इस स्टैंजा में एक चीफ है एक क्लैन का जो कि स्कॉटलैंड के पहाड़ों की तरफ जा रहा है. वो एक बोटमैन को चिल्लाकर कहता है कि जल्दी करो, लेट मत करो, मैं तुम्हें एक सिल्वर कॉइन दूंगा, हमें अपनी बोट में बिठाकर समुन्दर पार ले चलो. अब इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं. सबसे पहले इसकी राइम स्कीम. इसकी राइम स्कीम और इनफैक्ट पोएम की मैक्सिमम स्टैंजास की राइम स्कीम है ए बी ए बी. वर्ड्स देखते हैं जो राइम कर रहे हैं. बाउंड पाउंड, ये दोनों राइम कर रहे हैं, हम इन्हें कहेंगे ए ए. टैरी फेरी, ये दोनों राइम कर रहे हैं बी बी. तो राइम स्कीम क्या हो गई ए बी ए बी. नेक्स्ट डिवाइस है एंजैबमेंट. एंजैबमेंट क्या है? जब आपकी एक लाइन कंटिन्यू होकर कंटिन्यूसली चल रही है दो तीन लाइंस में, दैट इज एंजैबमेंट. यहां पर देखिए लाइन थ्री एंड लाइन फोर. And I'll give thee a silver pound to row us over the ferry. ये continuous एक sentence है जो कि दो lines में चल रहा है. This is a device of enjambment. Now we move on to stanza 2. Now, who be ye who would cross Loch Gyle, this dark and stormy weather? Oh, I'm the chief of Ulva's Isle and this Lord Ullin's daughter. अब यहां पे ये का मीनिंग क्या है? यू. दिस इज ऑल्सो एन ओल्ड फैशन वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में यूज नहीं हो रहा. लॉश गायल रेफर्स टू लॉशना कील, विच इज द सी नेम्ड लॉश विच हैज उल्वा टू इट्स नॉर्थ. यहां पे देखिए ये स्कॉटलैंड का मैप है, ये आप देख सकते हैं जो समुन्दर है लॉशना कील और इसके नॉर्थ में ये जो आइलैंड है दिस इज उल्वा. इस उल्वा आइलैंड का चीफ है लॉर्ड ओलिन की बेटी का लवर और उन्होंने ये समुन्दर क्रॉस करके उल्वा जाना है. आइल मींस एन आइलैंड. नाउ ओवर हियर द बोटमैन आस्क्स द चीफ, वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो जो कि लॉश गायल को क्रॉस करने के लिए आए हो इस डार्क यानी कि अंधेरे भरे तूफानी मौसम में. तो फिर वो जो चीफ है उल्वा का वो कहता है ओ आई एम द चीफ ऑफ उल्वाज आइल, मैं उल्वा नामक आइलैंड का चीफ हूं, मुखिया हूं और ये जो मेरे साथ है ये लॉर्ड ओलिन की बेटी है. तो इस स्टैंजा में जो बोटमैन है वो पूछता है चीफ से कि तुम कौन हो जो कि लॉश गायल को इस अंधेरे भरे तूफानी मौसम में क्रॉस करने के लिए आए हो. तो वो जो चीफटेन है वो कहता है कि मैं उल्वाज आइलैंड का चीफ हूं और ये लड़की लॉर्ड ओलिन की बेटी है.
अब इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं. सबसे पहले इसकी राइम स्कीम वही है, ए बी ए बी. लॉश गायल आयल, ये दोनों राइम कर रहे हैं, ए ए. वेदर डॉटर, बी बी. सो द राइम स्कीम इज ए बी ए बी. नाउ वी मूव ऑन टू स्टैंजा नंबर थ्री. And fast before her father's men, 3 days we fled together. For should he find us in the glen, my blood would stain the heather. Now, fled means ran away, bhagna. Glen is a deep, narrow valley, especially in the mountains of Scotland. This is an image of the mountains of Scotland. आप देख सकते हैं, ये जो valley है, दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया है, दिस इज ग्लेन. स्टेन मीन्स टू मार्क, निशान लगा देना. एंड वॉट इज हेदर? हेदर इज अ लो स्प्रेडिंग प्लांट विद वुडी स्टेम्स, स्मॉल स्पाइकी लीव्स एंड पर्पल पिंक और व्हाइट फ्लावर्स. यहां आप देख सकते हैं जो पर्पल कलर के फूल हैं, ये हेदर प्लांट्स हैं. तो इन्हीं प्लांट्स की बात ये चीफ कर रहा है. ये चीफ कहता है एंड फास्ट बिफोर हर फादर्स मेन. वो बोटमैन को कह रहा है कि जल्दी करो इससे पहले कि इस लड़की के फादर के आदमी यानी के लॉर्ड उलिन के आदमी यहां पर आ जाएं. हम पिछले 3 दिनों से भाग रहे हैं. हम दोनों इकट्ठे पिछले 3 दिनों से भाग रहे हैं. और फिर वो कहता है कि अगर वो हमें यहां ग्लेन में, स्कॉटलैंड के इस वैली में ढूंढ लेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? वो चीफ को मार देंगे और चीफ का जो खून है वो इन हेदर प्लांट्स को स्टेन कर देगा. उसके खून के निशान इन हेदर प्लांट्स पर पड़ जाएंगे. सो इन दिस स्टैंजा द चीफ टेल्स द बोटमैन टू हरी. ही सेज दैट बी फास्ट बिफोर हर फादर्स मेन हु हैव बीन फॉलोइंग देम फॉर द पास्ट 3 डेज. They should find them in this valley called Glen. Because if they will find them, they would kill the chief and his blood will be seen on the heather plants. अब हम इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं. सबसे पहले इसकी राइम स्कीम. इसकी राइम स्कीम भी वही है, ए बी ए बी. मेन ग्लेन, ये दोनों राइम कर रहे हैं, ए ए. टूगेदर हेदर, ये दोनों राइम कर रहे हैं, बी बी. तो राइम स्कीम है ए बी ए बी. नेक्स्ट डिवाइस है इन्वर्जन. इन्वर्जन में क्या होता है? सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले आता है. ऑब्जेक्ट प्रिसीड्स द सब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन. व्हेन ही सीज एंड फास्ट बिफोर हर फादर्स मेन. Fast is the object. वो कह रहा है कि जल्दी करो. Before her father's men is the subject. So object has been placed before the subject. This is inversion. Now stanza 4. His horsemen hard behind us ride. Should they our steps discover, then who will cheer my bonny bride? When they have slain her lover. Now over here, cheer means to encourage or to welcome. Swagat karna, usko khush karna. Bonnie means lovely, attractive, very pretty. And slain means killed, maar dena. Ab yahan par chief keh raha hai ki Lord Ullin ke aadmi, horseman yane ke ghode pe sawar aadmi, hamare piche piche aa rahe hain. और अगर उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया यानी कि अगर उन्हें ये पता चल गया कि हम कहां पर हैं, कहां जा रहे हैं, तो वो मुझे मार देंगे और फिर मेरी सुंदर, मेरी प्यारी ब्राइड, मेरी दुल्हन को कौन खुश करेगा, जबकि वो आदमी उसके लवर को, उसके प्रेमी को यानी कि चीफ को, खुद को मार देंगे. सो इन दिस स्टैंजा द चीफ इज सेइंग दैट The men of Lord Ullin are riding horses and they are chasing them. And if they come to know where they are, they will kill the chief. And then there will be no one to welcome
his lovely, attractive bride, his wife, as her lover would have been killed by those horsemen of Lord Ullin. Now we'll discuss the literary devices of this stanza. First of all, the rhyme scheme. Rhyme scheme is A, B, A, B. Ride and bride are rhyming, we call it A, A. Discover and lover are rhyming, we call it B, B. Next device is alliteration. What is alliteration? Alliteration is the repetition of a consonant sound in the beginning of two or more consecutive words. Jaise ke aap example dekhiye, his horseman hard. Ab ye jo tino words hain, ye her sound se shuru ho rahe hain. Her sound ek consonant sound hai. To ye jo tino words hain, this is an example of alliteration. Another instance of alliteration is who will. यहाँ पे दोनों words में व sound repeat हो रहा है starting में. This is alliteration. Another instance is bonnie bride. इन दोनों words में व sound repeat हो रहा है starting में. This is also alliteration. Then there is inversion also. His horseman hard behind us right. Now us is the subject. Subject बाद में आ रहा है. Horseman hard. This is the object. Ye pehle aa raha hai. This is inversion. And then he says, should they our steps discover? Our is the subject and they is the object. Fir se object subject se pehle aa raha hai. Ye bhi inversion hai. Ab stanza 5 padhte hain. Outspoke the hardy Highland wight. I'll go, my chief. I'm ready. It is not for your silver bright, but for your winsome lady. Now over here, hardy means strong, mazboot. White means valiant, skilled in fighting. Ek fighter jo ki bahut hi skilled hai. Silver bright means a silver pound, that is the money which is offered by the chieftain. Humne first stanza mein padha tha, chieftain ne is boat wale ko silver pound offer kiya tha unhe samundar paar le jane ke liye. Yahan pe use hi ye jo boat wala hai silver bright keh raha hai. Winsome means pleasing because of a childlike charm and innocence. Bahut hi achhi nature, bahut hi khush tabiyat hona. Now over here, the poet says, outspoke, yani ke kisi ne bola. Kisne bola? The hardy Highland wight. Hardy Highland wight kaun hai? Boatman. Boatman jo ki ek bahut hi strong aadmi hai, bahut hi skilled hai fighting mein. Wo kuch bolta hai. Wo kehta hai, I'll go, my chief, I'm ready. Wo kehta hai ki main samundar paar jane ke liye tayyar hoon. मैं इस तूफान के मौसम में भी आपको अपनी बोट में बिठाकर समुन्दर पार लेकर जाऊंगा. और फिर वो कहता है, इट इज नॉट फॉर योर सिल्वर ब्राइट बट फॉर योर विंसम लेडी. तो वो ये कहता है कि वो क्यों उनको ले जाने को तैयार है समुन्दर पार इस तूफान के मौसम में. वो कहता है, ना कि आपके पैसों के लिए, लेकिन आपकी सुंदर प्यारी अट्रैक्टिव लेडी के लिए. जो लेडी आपके साथ आई है, लॉर्ड उलिन की बेटी, वो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर है, बोटमैन को वो इतनी अच्छी लगती है कि वो कहता है कि मैं आपको समुंदर पार लेकर जाऊंगा इस लेडी के लिए. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अस दैट द स्ट्रॉन्ग एंड द स्किल्ड बोटमैन इज रेडी टू टेक देम अक्रॉस द सी. एंड ही सेज टू द चीफ दैट आई विल गो, आई विल टेक यू अक्रॉस द सी. It is not for your money that you are offering me that I am ready to take you across the sea, but it is for your pleasing, childlike, innocent, attractive lady, that is Lord Ullin's daughter. So he rejects this money and he says that your lady, the lady accompanying you, is so pretty, she is so attractive, that for her I will take both of you across the sea. अब हम इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द राइम स्कीम ए बी ए बी. व्हाइट एंड ब्राइट आर राइमिंग ए ए. रेडी एंड लेडी आर राइमिंग बी बी. सो द राइम स्कीम इज ए बी ए बी.
The next device is alliteration, that is the repetition of a consonant sound in two or more consecutive words. Hardy, highland. Ye dono words mein h sound repeat ho raha hai. This is alliteration. Then there is inversion also. Again, the sentence structure is changed. Object comes before the subject. Look here. Outspoke the hardy highland white. Now, hardy highland white is the boatman. So, this is the subject. And the object is outspoke. So, isko baad mein aana chahiye tha normal sentence mein. This is inversion. Ab hum padhte hain is poem ka stanza number 6. And by my word, the bonny bird in danger shall not tarry. So, though the waves are raging white, I'll row you over the ferry. Bonny means lovely and attractive. Tarry means delay, late hona. Raging means angry and infuriated, gusse se bhara hona. And ferry is a boat or a small ship. Ab yahan pe fir se boatman kehta hai. वो कहता है एंड बाय माय वर्ड यानी कि मैं जुबान देता हूं मैं आपको वादा कर रहा हूं दैट द बोनी बर्ड इन डेंजर शैल नॉट टैरी. वो कहता है कि ये जो सुंदर अट्रैक्टिव सी लड़की है आपके साथ जो कि इस समय खतरे में है क्योंकि लॉर्ड उलिन के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं और उसके लवर को मारना चाहते हैं वो डिले नहीं होगी वो लेट नहीं होगी. और फिर वो कहता है कि हालांकि ये जो लहरें हैं समुंदर की ये गुस्से से भरी हुई हैं बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है इस समुंदर में लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी फेरी में अपनी बोट में बिठाकर समुंदर पार लेकर जाऊंगा. सो इन दिस स्टैंजा द बोटमैन प्रॉमिसेस द चीफ ही सेज दैट डोंट वरी आई गिव यू माय वर्ड द बॉनी बर्ड द बॉनी ब्यूटिफुल गर्ल हु इज विद यू हु इज इन डेंजर राइट नाउ will not get delayed. मैं उसको लेट नहीं होने दूंगा. Although समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है समुंदर में गुस्से भरी लपटें उठ रही हैं फिर भी मैं आपको अपनी बोट में बिठाकर समुंदर पार लेकर जाऊंगा. इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं. सबसे पहले इसकी राइम स्कीम. इसकी राइम स्कीम बाकी पोएम से अलग है. देखिए लाइन 1 और लाइन 3 में राइम नहीं है सिर्फ लाइन 2 और 4 में राइम है. तो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी बी. बर्ड और वाइट राइम नहीं कर रहे इसलिए हम इसे ए और इसे सी कहेंगे. टैरी को बी कहेंगे और फेरी राइम कर रहा है तो उसको भी बी कहेंगे. राइम स्कीम है ए बी सी बी. नेक्स्ट डिवाइस है एलिट्रेशन. मैं आपको बता चुकी हूं एलिट्रेशन में एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है दो या दो से ज्यादा कंजेक्यूटिव वर्ड्स में. यहां पर देखिए बॉनी बर्ड दोनों वर्ड्स में ब साउंड रिपीट हो रहा है शुरू में. दिस इज एलिट्रेशन. नेक्स्ट डिवाइस है इमेजरी. इमेजरी मींस जब पोएट आपकी आंखों के सामने एक इमेज एक सीन क्रिएट कर देते हैं दैट इज इमेजरी. यहां पर देखिए जब वो कह रहे वेव्स आर रेजिंग वाइट पानी की लहरें समुंदर की लहरें गुस्से से सफेद रंग की हो गई हैं और उनमें बहुत तेज लहरें उठ रही हैं तो ये एक सीन क्रिएट कर देता है हमारे माइंड में. हम इसको इमेजिन कर सकते हैं. दिस इज इमेजरी. स्टैंजा 7. बाय दिस द स्टॉर्म ग्रू लाउड अपेस द वॉटर रेथ वॉज श्रीकिंग And in the scowl of heaven, each face grew dark as they were speaking. A pace means quickly, achanak, ekdam se. Wraith means a ghost or a spectre or spirit. Jaise ki atma kehte hain hum, kisi ki atma, kisi ka soul, kisi ka bhoot. And scowl means frown or a black, dirty look, gusse bhari look. अब यहां पर पोएट कहते हैं कि एकदम से जो तूफान है उसकी आवाज बहुत ज्यादा बढ़ गई बहुत लाउड हो गया वो तूफान. तूफान की इंटेंसिटी बढ़ गई और ऐसा लग रहा था कि पानी में कोई आत्माएं हैं जो कि जोर जोर से चिल्ला रही हैं. पानी में जो इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी उनकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी
और वो जो आवाज थी वो ऐसे लग रहा था कि पानी में कोई आत्माएं हैं जो चिल्ला रही हैं. एंड इन द स्काउल ऑफ हेवन, यानी कि ऐसा लग रहा था कि जो हेवन है ऊपर आसमान में जो भगवान का घर है वो फ्राउन कर रहा है, वो गुस्से से नीचे सब चीजों को एक ब्लैक डर्टी लुक दे रहा है. एंड ईच फेस ग्रू डार्क एज दे वर स्पीकिंग. अब पूरे आसमान में अंधेरा छा गया था, पूरा आसमान एक ब्लैक डर्टी लुक दे रहा था, तो सब चेहरे भी काले हो गए क्योंकि ऊपर से डार्कनेस आ गई थी सब पे और कोई एक दूसरे को ठीक से देख नहीं पा रहा था. सबके चेहरे डार्क हो गए थे, उन पर अंधेरा छा गया था. सो ओवर हियर द पोएट सेज दैट ऑल ऑफ अ सडन द स्टॉर्म इंक्रीज्ड, द इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म ग्रू एंड द वॉटर वॉज मेकिंग नॉइजेज एज इफ देर वर घोस्ट इन द वॉटर हु वर श्रीकिंग हु वर स्क्रीमिंग. और ऐसे लग रहा था कि जो हेवन है भगवान का जो घर है वो फ्राउन कर रहा है, वो गुस्से से भरा हुआ है और पूरा आसमान काला हो गया था जिस वजह से सब लोगों के चेहरे भी अंधेरे से भर गए थे और कोई किसी को देख नहीं पा रहा था. अब इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं. सबसे पहले इसकी राइम स्कीम, इसकी राइम स्कीम भी ए बी है. अ पेस एंड फेस आर राइमिंग ए ए, श्रीकिंग एंड स्पीकिंग आर राइमिंग बी बी. नेक्स्ट डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, आप किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन क्वालिटी देते हैं. अब यहां पर जब पोएट कहते हैं द वॉटर रेथ वॉज श्रीकिंग, वॉटर रेथ मीन्स ऐसे लग रहा था कि पानी में कोई आत्माएं हैं जो कि चिल्ला रही हैं. नाउ पानी इज अ नॉन लिविंग थिंग एंड पानी कैन नॉट श्रीक, वॉटर कैन नॉट श्रीक. सो ओवर हियर व्हेन द पोएट सेज दैट द वॉटर रेथ वॉज श्रीकिंग, सो वो ये कह रहे हैं कि पानी में से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, पानी चिल्ला रहा था. सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन, वो पानी को एक ह्यूमन क्वालिटी दे रही हैं और वो कह रहे हैं कि पानी चिल्ला रहा था, पानी में से आवाजें आ रही थी. एंड देन व्हेन ही सेज स्काउल ऑफ हेवन, स्काउल मींस एक गुस्से भरी लुक देना. नाउ हेवन अगेन इज अ नॉन लिविंग थिंग, इट कैन नॉट सी एनीवन, सो स्काउल, दिस इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन. आप हेवन को एक ऐसी क्वालिटी दे रहे हैं कि वो गुस्से से सबको देख रहा था. ये क्वालिटी ह्यूमन बींग्स के पास होती है एंड सो हेवन हैज ऑल्सो बीन पर्सोनिफाइड. तो इस स्टैंजा में वॉटर और हेवन दोनों को पर्सोनिफाई किया गया है. नेक्स्ट डिवाइस इज सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म मीन्स जब आप किसी चीज को, किसी वर्ड को एक और दूसरी चीज के लिए सिंबलाइज करने के लिए यूज करते हैं. यहां पर जब पोएट कहते हैं हेवन, वो भगवान के घर को रेफर नहीं कर रहे, वो स्काई को रेफर कर रही हैं. लेकिन वो स्काई को हेवन क्यों कहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि स्काई पूरा डार्क हो गया था, ऐसे लग रहा था कि भगवान को भी गुस्सा आया हुआ है और उस वजह से पूरा स्काई एकदम से अंधेरे से भर गया, डार्क हो गया. तो यहाँ पे हेवन वर्ड इज अ सिम्बोलिकल यूजेज, ही इज रेफरिंग टू द स्काई. अनदर डिवाइस इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स. हियर यू कैन सी वॉटर रेथ वॉस, तीनों वर्ड्स में व साउंड रिपीट हो रहा है, दिस इज एलिट्रेशन. देन देर इज ऑनमाटपिया ऑल्सो. वॉट इज ऑनमाटपिया? ऑनमाटपिया इज द यूजेज ऑफ अ साउंड वर्ड. जब पोएट्री में कोई भी ऐसा वर्ड यूज होता है जो किसी आवाज को इंडिकेट करता है, दैट इज ऑनमाटपिया. हियर द पोएट सेज श्रीकिंग. श्रीकिंग इज अ साउंड, जब आप चिल्लाते हैं उसे आप श्रीकिंग भी कह सकते हैं. सो दिस इज ऑनमाटपिया. नेक्स्ट देर इज इमेजरी. इमेजरी इज अगेन आपकी आंखों के सामने एक सीन क्रिएट कर देना. यहाँ पे पोएट पूरी स्टैंजा में एक सीन क्रिएट कर रहे हैं. वो कहते हैं कि तूफान बढ़ गया, ऐसे लग रहा था कि पानी में से आवाजें आ रही हैं, पानी में से कोई भूत चिल्ला रहा है और
पूरे के पूरे आसमान को गुस्सा आया हुआ है जिसकी वजह से पूरे आसमान में अंधकार छा गया। तो आप इस पूरे सीन को इमेजिन कर सकते हैं, आसमान में अंधेरा है, पानी में लपटें उठ रही हैं और उसमें से आवाजें आ रही हैं और पूरा हेवन गुस्से से अंधकार में भर गया है। अब स्टैंजा 8 पढ़ते हैं। बट स्टिल एज वाइल्डर ब्लू द विंड एंड एज द नाइट ग्रू ड्रेयर अडाउन द ग्लेन रोड आर्म्ड मेन देयर ट्रैम्पलिंग साउंडेड नियरर। नाउ ड्रेयर मीन्स स्केरियर, डरावने। अडाउन मीन्स इट इज एन आर्केक वर्ड, इट इज एन ओल्ड फैशन वर्ड। दीज डेज दिस वर्ड इज नॉट यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट इट मीन्स कमिंग डाउन, नीचे उतरना। एंड ट्रैम्पलिंग मीन्स स्टैम्पिंग, ट्रेडिंग, वॉकिंग ओवर, चलने की आवाज। नाउ ओवर हियर इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज, बट स्टिल एज वाइल्डर ब्लू द विंड। हवा बहुत ही ज्यादा जंगलियों की तरह, पागलों की तरह उड़ रही थी, चल रही थी, और नाइट और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था और उसमें ये जो हवा है ये सबको डरा रही थी। और तभी ये जो आर्म्ड मैन थे, लॉर्ड उलिन के आर्म्ड मैन जो कि हॉर्सेस पर उनका पीछा कर रहे थे, वो ग्लेन नामक वैली में से नीचे उतरने लगे और उनकी ट्रैम्पलिंग की आवाज, उनकी स्टैम्पिंग की, चलने की आवाज पास आ रही थी। So in this stanza, the poet says that the night was getting scarier, बहुत ही ज्यादा डरावनी होती जा रही थी रात, हवा और भी ज्यादा तेज चल रही थी, पागलों की तरह आवाजें कर रही थी, और तभी ग्लेन वैली में ये जो हॉर्सेस पर आदमी थे जो कि लॉर्ड उलिन की बेटी और उसके लवर का पीछा कर रहे थे, उनके आने की आवाजें पास आने लगी। अब इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहले इसकी राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम भी ए बी सी बी है, यानी कि लाइन 1 और लाइन 3 में राइम नहीं है। देखते हैं विंड और मैन, ये दोनों राइम नहीं कर रहे, इसलिए हम इसे ए और इसे सी कहेंगे। ड्रेयरर और नियरर राइम कर रहे हैं, इनको हम बी कहेंगे। तो राइम स्कीम है ए बी सी बी। नेक्स्ट डिवाइस है इन्वर्जन। इन्वर्जन जिसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। हियर ही सेज बट स्टिल एज वाइल्डर ब्लू द विंड। विंड इज द सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट को जब आप बाद में लगाते हैं दिस इज इन्वर्जन। फिर आप लाइन 3 में भी देख सकते हैं इन्वर्जन। ही सेज अडाउन द ग्लेन रोड आर्म्ड मैन। मैन इज अगेन द सब्जेक्ट बट इट इज यूज इन द एंड, सो दिस इज इन्वर्जन। नेक्स्ट डिवाइस इज ऑनमार्पिया। ऑनमार्पिया इज द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स। ट्रैम्पलिंग इज द साउंड ऑफ वॉकिंग, जब आप चलते हैं, स्टैम्प करते हैं, उसे आप ट्रैम्पलिंग भी कह सकते हैं, सो दिस इज ऑनमार्पिया। अब हम पढ़ते हैं स्टैंजा 9। ओ हेस्ट दी, हेस्ट द लेडी क्राइज, थाउ टेम्पेस्ट राउंड अस गैदर। I'll need the raging of the skies, but not an angry father. Haste means hurry up, jaldi karo. And thee is an old-fashioned word, it means you. Tempest means violent windy storms, tufan. And raging means angry, gusse se bhara hona. अब लॉर्ड उलिन की बेटी चिल्लाती है, रोती है, वो उनको कहती है कि प्लीज जल्दी करो। जैसे ही उसे इन हॉर्समैन की आवाजें सुनाई देती हैं कि वो उनके पास आ गए हैं, वो रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है और बोटमैन को कहती है कि प्लीज जल्दी करो। वो कहती है कि हमारे आसपास जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो बढ़ रहा है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस तूफान का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने गुस्से भरे फादर का सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सो इन दिस स्टैंजा व्हेन लॉर्ड उलिन्स डॉटर हियर्स द साउंड ऑफ दीज हॉर्सेस अप्रोचिंग देम, शी गेट्स स्केयर्ड एंड शी आस्क्स द बोथ मैन टू हरी।
She says that although the wind, the storm is gathering, it is increasing around us, but I'm not afraid of the raging sky. I'm not afraid of the storm. I'm ready to face it, but I'm not ready to face my angry father. Now we'll discuss the literary devices of this stanza. First of all, there is a rhyme scheme. The rhyme scheme is A, B, A, B. Cries and skies are rhyming, we call it A, A. Gather and father are rhyming, we call it B, B. The next device is inversion. Phir se subject baad mein use ho raha hai in line 2. She says, though tempests round us gather. Us is the subject. Subject ko jab aap baad mein use karte hain, this is inversion. Then there is a metaphor also. Metaphor is an indirect comparison. Jab aap kisi do cheezon ki kisi quality ko compare karte hain, that is a metaphor. Now over here, the raging of the sky has been compared to an angry father. She says that I'll meet the raging of the skies but not an angry father. Wo ladki gusse se bhare tufaan ko samna karne ke liye tayyar hai, lekin gusse se bhare father ko samna karne ke liye tayyar nahi hai. To in dono cheezon ke gusse ko compare kiya gaya hai yahan par. Then there is imagery also. जब वो कहती है tempest round us gather, तो आप imagine कर सकते हैं कि उनके आसपास एक बहुत ही बड़ा तूफान इकट्ठा हो रहा है. This is visual imagery. Then there is repetition. Repetition किसी भी word को या फिर किसी भी sentence को अगर poet repeat करते हैं. यहाँ पर देखिए word repeat हो रहा है haste. This shows that the poet wants to lay emphasis, वो इस word पे stress करना चाहते हैं कि Lord Ullin की बेटी को बहुत ज़्यादा जल्दी थी और वो boatman को दो बार कहती है कि जल्दी करो. अब हम stanza 10 पढ़ते हैं. The boat has left a stormy land, a stormy sea before her. When, oh, too strong for human hand, the tempest gathered over her. अब इस स्टैंजा में पोएट ये बता रहे हैं कि जो बोट है वो चल पड़ी है, उसने लैंड को जहां पर तूफान आया हुआ था उसको छोड़ दिया है और उसके सामने एक तूफान से भरा हुआ समुंदर है जिसे उस बोट ने पार करना है. और फिर वो कहते हैं ओ, अचानक से एकदम तभी, टू स्ट्रॉन्ग फॉर ह्यूमन हैंड, यानी कि उस बोटमैन के स्ट्रॉन्ग हाथों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, द टेम्पेस्ट गैदर्ड ओवर हर, एक बहुत ही बड़ी हवा का तूफान आया जिसने के उस बोट को अपनी चपेट में ले लिया. तो इस स्टैंजा में पोएट ये बता रहे हैं कि फाइनली उनकी बोट चल पड़ी है, उसने इस लैंड को छोड़ दिया है जहां पर तूफान आया हुआ था और उसने एक तूफान से भरे समुन्दर को पार करना है. लेकिन तभी ये जो बोटमैन है, हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग एक बहुत ही स्ट्रांग हवा हवा में उठी और उसने इस बोट को अपनी चपेट में ले लिया, उसने इस बोट को ओवर पावर कर दिया. अब इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं. इसकी राइम स्कीम ए बी ए बी. लैंड और हैंड राइम कर रहे हैं, हम इसे कहेंगे ए ए. हर सेम ही है तो ये बी बी. राइम स्कीम ए बी ए बी. नेक्स्ट डिवाइस है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज अ रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स. यहाँ पे देखिए स्टॉर्मी सी, दोनों वर्ड्स में स साउंड रिपीट हो रहा है, दिस इज एलिट्रेशन. देन ह्यूमन हैंड, इन दोनों वर्ड्स में ह साउंड रिपीट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन. देन देर इज इमेजरी ऑल्सो. आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक नाव है जो कि तूफान भरे लैंड को छोड़कर तूफानी समुन्दर में चल पड़ी है और तभी एक बहुत ही बड़ी हवा का झोंका आता है जो कि इस बोट को ओवरपावर कर लेता है, इस स्ट्रॉन्ग बोटमैन को ओवरपावर कर लेता है. अब हम स्टैंजा 11 पढ़ते हैं. एंड स्टिल दे रोड अमिस्ट द रोर,
or waters fast prevailing. Lord Ullin reached that fatal shore, his wrath was changed to wailing. Amidst means in the middle of something, tufaan ke beech mein. Prevailing means conquering or overcoming, kisi ke upar kabza kar lena. Wrath means anger or exasperation, uska gussa. And wailing means lamenting, crying, bemoaning, rona, kisi cheez par dukh dikhana. And still they roared amidst the roar. Roar means jo samundar ki awazein aa rahi thi tufaan ki. Un awazon ke beech mein bhi unhone fir bhi apni boat ko row karna jari rakha. Although itni badi hawa ne unki boat ko apne chapet mein le liya tha, lekin fir bhi unhone himmat nahi haari aur ye jo strong boatman tha unke saath usne apni boat ko row karna jari rakha. Lekin ye jo pani tha samundar ka, ye unko apni chapet mein le raha tha, overcome kar raha tha, overpower kar raha tha, unki boat pani mein doobne lag gayi thi. Tabhi Lord Ullin us shore par pahunch jate hain. Fatal is something deadly, जो चीज किसी को मार सकती है. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो शोर है जहां पर तूफान आया हुआ था वो फेटल था, वो किसी को भी मार सकता था. और लॉर्ड उलिन इस शोर पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि उनकी बेटी की जो बोट है वो पानी में डूब रही है, उनका जो गुस्सा है वो खत्म हो जाता है और वो रोने लग जाते हैं, वो दुख मनाने लग जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी समुन्द्र में डूब रही है. So in this stanza we come to know that although their boat has been overpowered by a strong wind, the boatman is very brave. He keeps on rowing the boat. But the water of the sea has conquered them. The boat has started to drown. Just then Lord Ullin reaches the shore, and when he sees that his daughter is drowning in the sea, his anger evaporates. His anger vanishes. And he starts wailing, he starts crying for his daughter. Because वो देख रहा है कि उसकी बेटी मरने वाली है, वो समुंदर में डूब रही है. अब इस stanza के literary devices देखते हैं. सबसे पहले इसकी rhyme scheme, A, B, A, B. Roar and shore are rhyming, we call it A. Prevailing and wailing are rhyming, we call it B. So the rhyme scheme is A, B, A, B. The next device is transferred epithet. What is a transferred epithet? जब आप किसी adjective को किसी wrong word के लिए use करते हैं. That is a transferred epithet. When the poet says the fatal shore, वो ये कहना चाहते हैं कि जो ये समुंदर का तट था, जो shore था, ये fatal था, ये deadly था. But this is not so. Actually, the sea is fatal. लॉर्ड उलिन की बेटी समुंदर में डूब रही है, तो इस पोएट ने सी की जगह शोर के साथ इस एडजेक्टिव को यूज किया है. दिस इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट. अब हम स्टैंजा 12 पढ़ते हैं. फॉर सोर डिसमेड थ्रू स्टॉर्म एंड शेड हिज चाइल्ड ही डिड डिस्कवर वन लवली हैंड शी स्ट्रेच्ड फॉर एड एंड वन वॉज राउंड हर लवर. Sore means in pain, distressed, pained, takleef mein hona, dukh mein hona. Dismayed means disconcerted, shocked or disturbed. Discover means find out, kisi ko dhoond lena. Aid means help. Now here the poet says, for sore dismayed through storm and shade, his child he did discover. यहां पर किसकी बात हो रही है? लॉर्ड उलिन की. पोएट कहते हैं कि लॉर्ड उलिन दुख में है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है क्योंकि वो भी इस तूफान का सामना करते हुए अपनी बेटी का पीछा कर रहे हैं और फाइनली उन्हें अपनी बेटी मिल गई, उन्हें अपना बच्चा मिल गया. और वो क्या देखते हैं? अपने बच्चे को किस हालत में देखते हैं? One lovely hand she stretched for aid. उनकी बेटी का एक हाथ इस पानी में से, समुन्दर के पानी में से बाहर आ रहा है, वो उनसे मदद मांग रही है. And one was round her lover.
और उसका दूसरा हाथ उसके प्रेमी उस चीफ की बाहों में है, उसने उसे अपनी बाहों में लिया हुआ है क्योंकि वो उसको भी खोना नहीं चाहती. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अस अबाउट लॉर्ड उलिन. लॉर्ड उलिन बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत तकलीफ में है, बहुत डिस्टर्ब्ड है क्योंकि उन्होंने इतना सारा तूफान झेला अपनी बेटी को ढूंढने के लिए और फाइनली उन्होंने अपनी बेटी को किस हालत में डिस्कवर किया, किस हालत में पाया. उसका एक हाथ समुन्दर में से बाहर आ रहा है, वो उनसे मदद मांग रही है, वो कह रही है कि प्लीज मुझे बचा लो, और उसका दूसरा हाथ उसके प्रेमी उल्वा के चीफ की बाहों में है जिसे वो प्यार करती है और वो उसे खोना नहीं चाहती. अब इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं. सबसे पहले इसकी राइम स्कीम ए बी ए बी. शेड एंड एड आर राइमिंग, वी कॉल इट ए ए. डिस्कवर एंड लवर आर राइमिंग, वी कॉल इट बी बी. द नेक्स्ट डिवाइस इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स. डिड डिस्कवर, इन दोनों वर्ड्स में ड साउंड रिपीट हो रहा है, दिस इज एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज इन्वर्जन. इन्वर्जन में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले यूज होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में आता है. यहां पर देखिए लाइन टू में हिज चाइल्ड ही डिड डिस्कवर, ही इज द सब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, दिस इज इन्वर्जन. नाउ वी मूव ऑन टू स्टैंजा 13. कम बैक ही क्राइड इन ग्रीफ Across the stormy water, and I'll forgive your highland chief, my daughter, oh my daughter. Grief means sadness, दुख. अब यहां पे ये ही कौन है? Lord Ullin. वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, वो कहते हैं वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, इस समुन्द्री तूफान से, इस समुन्दर के तूफान से बाहर निकल कर वापिस आ जाओ. और वो अपनी बेटी को कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारे प्रेमी को जो कि उल्वा नामक जगह का आइलैंड का चीफ है उसे भी माफ कर दूंगा, ओ मेरी प्यारी बेटी मेरे पास वापस आ जाओ. सो इन दिस स्टैंजा वी कम टू सी लॉर्ड उलिन्स सैडनेस, हिज ग्रीफ, उनका दुख. वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी बेटी को वापस बुलाते हैं, कहते हैं कि इस तूफान से भरे समुन्दर से बाहर आकर मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे प्रेमी को माफ कर दूंगा, उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, ओ मेरी प्यारी बेटी वापस आ जाओ. अब इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं. इसमें राइम स्कीम है ए बी ए बी. ग्रीफ और चीफ राइम कर रहे हैं ए ए. वॉटर और डॉटर राइम कर रहे हैं बी बी. नेक्स्ट डिवाइस है रेपिटेशन. वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं इस स्टैंजा में. कम बैक रिपीट हो रहा है. माय डॉटर भी रिपीट हो रहा है. यहां पर पोएट स्ट्रेस डालना चाहते हैं कि लॉर्ड उलिन कितने डेस्परेट हैं. वो अपनी बेटी को बार बार वापस बुला रहे हैं और उसके दुख में रो रहे हैं. फिर इस स्टैंजा में इमेजरी भी है. हम इमेजिन कर सकते हैं कि लॉर्ड उलिन समुन्दर के किनारे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, अपनी बेटी को वापस बुला रहे हैं, उसको आवाजें लगा रहे हैं. अब पढ़ते हैं स्टैंजा 14. इट वॉज वेन द लाउड वेव्स लैश्ड द शोर, रिटर्न और एड प्रिवेंटिंग द वॉटर वाइड वेंट ओवर हिज चाइल्ड. And he was left lamenting. Vain means useless, futile. किसी काम का नहीं, किसी मदद का नहीं. Lashed means beat against, pounded, dashed against, hit करना किसी चीज को. And lamenting means wailing, moaning, sobbing, रोना, दुख मनाना. अब यहां पर पोएट कहते हैं it was vain. जो लॉर्ड उलिन पिछले स्टैंजा में हमने पढ़ा अपनी बेटी को आवाजें लगा रहे थे, उसको वापस बुला रहे थे, वो सब चीजें यूजलेस थी, वो सब चीजें फ्यूटाइल थी, उनका कोई फायदा नहीं था क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें थी पानी की, वो पानी के तट को, समुन्दर के तट को जोर जोर से हिट कर रही थी. तो इससे पोएट ये बताना चाहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ था समुन्दर में और उससे जिंदा बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था. और ये जो तूफान था,
इसमें से ना तो कोई बाहर आ सकता था और ना ही कोई किसी की मदद कर सकता था. So this storm was preventing anyone from coming out of the sea, and it was also preventing anyone from helping anyone who was stuck in the sea. So the wild water is the water of the sea which is at storm. Jis samundar mein tufaan aaya hua tha usse poet water wild keh rahe hain. It went over his child, yani ke Lord Ullin ki beti pani mein doob gayi. वो इस समुंदर में समा गई और वो समुंदर के किनारे बैठा रो रहा था. He had nothing else to do because वो अपनी बेटी को बचा नहीं सकता था, उसकी मदद नहीं कर सकता था. समुंदर में एक बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ था. अब इस स्टैंजा में हमें पता चलता है कि जो लॉर्ड उलिन अपनी बेटी को वापस बुला रहे थे, उससे वादा कर रहे थे कि वो उसे और उसके प्रेमी को माफ कर देंगे, वो सब बातें यूजलेस थी, बेकार थी, क्योंकि पानी में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था और पानी की लपटें समुन्द्र के किनारे को जोर जोर से हिट कर रही थी और वो किसी को भी समुन्द्र से बाहर नहीं आने दे रही थी और ना ही किसी को किसी की मदद करने दे रही थी. और तभी लॉर्ड उलिन की बेटी समुन्द्र में डूब गई और लॉर्ड उलिन समुन्द्र के किनारे बैठे उसके दुख में, उसके डूबने के गम में रो रहे थे. विद दिस पोएम एंड्स. इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं. सबसे पहले इसकी राइम स्कीम. इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी, बिकॉज लाइन वन और लाइन थ्री में राइम नहीं है. प्रिवेंटिंग और लैमेंटिंग राइम कर रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे ए बी सी बी. नेक्स्ट डिवाइस है इन्वर्जन. फिर से सब्जेक्ट बाद में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है. द वॉटर वाइल्ड वेंट ओवर हिज चाइल्ड, हिज इज द सब्जेक्ट, बट उसे बाद में यूज करके पोएट इन्वर्जन यूज कर रहे हैं. अनदर डिवाइस इज एलिट्रेशन. यहाँ पे फिर से कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है कुछ वर्ड्स में. देखिए वॉटर वाइल्ड वेंट, तीनों वर्ड्स में व साउंड रिपीट हो रहा है, दिस इज एलिट्रेशन. अनदर इंस्टेंस इज लेफ्ट लैमेंटिंग, इन दोनों वर्ड्स में ल साउंड रिपीट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन. देन देर इज इमेजरी. हम इस सीन को इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें समुन्दर पे हिट कर रही हैं और लॉर्ड उलिन की बेटी पानी में डूब रही है और लॉर्ड उलिन समुन्दर के किनारे बैठे उसके गम में रो रहे हैं. दिस इज द डिवाइस ऑफ इमेजरी, क्रिएटिंग अ सीन इन द माइंड्स ऑफ द रीडर. अब हम इस पोएम की समरी पढ़ते हैं. अ स्कॉटिश चीफ ऑफ द आइलैंड ऑफ उल्वा फॉल्स इन लव विद लॉर्ड उलिन्स डॉटर. लॉर्ड उलिन की बेटी को स्कॉटलैंड के एक चीफ से, जो कि आइलैंड ऑफ उल्वा का चीफ है, उससे प्यार हो जाता है. लॉर्ड उलिन इज अगेंस्ट दिस एंड सो द लवर्स रन अवे इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइव्स. लॉर्ड उलिन को उनका ये प्यार मंजूर नहीं है, इसलिए वो दोनों वहां से भाग जाते हैं. दे आर चेस्ड बाय हिज मैन ऑन हॉर्सेज. द लवर्स रीच द शो ऑफ अ स्टॉर्मी सी लॉशगाय. जैसे कि लॉर्ड उलिन के आदमी उन दोनों का पीछा कर रहे हैं, दोनों भागते भागते एक समुन्द्र के किनारे आ जाते हैं जहां पे एक बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ है. समुन्द्र का नाम है लॉस्ट गाइल. द चीफ आस्क्स द बोटमैन टू टेक देम इन हिज फेरी एंड ऑफर्स हिम अ सिल्वर पाउंड. उल्वा का जो चीफ है वो बोटमैन को कहता है कि हमें अपनी बोट में बिठाकर समुन्द्र के उस पार ले जाओ, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा. द बोटमैन इज रिलक्टेंट ड्यू टू द स्टॉर्मी सी. He agrees to take them in the stormy sea as he is attracted to the pretty lady. Boatman कहता है कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है. वो कहता है कि मैं आपके साथ जो सुंदर लड़की है उसकी वजह से आप दोनों को समुन्द्र के उस पार ले जाऊंगा. The chief asks him to hurry so that the men may not kill the lady's lover, which will leave her in grief. अब ये जो चीफ है वो बोटमैन को कहता है कि प्लीज जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस लेडी के लवर को, यानी कि चीफ को, वो लोग मार दें और ये लेडी दुख से भर जाए. एज दे हियर द हॉर्सेज अप्रोचिंग द लेडी आस्क्स हिम टू हरी एज शी इज विलिंग टू फेस द एंग्री सी रादर देन एन एंग्री फादर. लॉर्ड उलिन की बेटी को जब घोड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं, वो बोटमैन को कहती है कि प्लीज जल्दी करो, मैं इस तूफान से भरे समुन्द्र का सामना करने को तैयार हूँ, लेकिन अपने गुस्से से भरे हुए फादर का सामना करने को तैयार नहीं हूँ.
As the boat enters the sea, the storm gains intensity. The forceful wind takes over the boat and the gushing water enters the boat. जैसे ही उनकी नाव समुंदर में जाती है, तूफान बढ़ जाता है और एक बहुत ही बड़ी हवा का झोंका उनकी बोट को चपेट में ले लेता है और समुंदर का पानी उनकी बोट में आने लग जाता है. उनकी बोट डूबने लग जाती है. As the boat sinks, the helpless daughter stretches a hand towards her father for help. जैसे ही उनकी बोट समुंदर में डूबने लग जाती है, लॉर्ड उलिन की बेटी अपना एक हाथ अपने फादर की तरफ स्ट्रेच करती है कि प्लीज मुझे मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो. The other hand is wrapped around her beloved. और उसका दूसरा हाथ उसके प्रेमी उस उल्वा के चीफ की बाहों में होता है क्योंकि वो उसे भी बहुत प्यार करती है. लॉर्ड उलिन क्राइज हेल्पलेसली. ही कॉल्स आउट फॉर हिज डॉटर एंड प्रोमिसेस टू फॉरगिव हर एंड एक्सेप्ट हर लव. लॉर्ड उलिन बहुत बेबस है. वो अपनी बेटी की मदद नहीं कर रहे क्योंकि समुन्द्र में बहुत बड़ा तूफान है. वो अपनी बेटी को बुलाते हैं, कहते हैं समुन्द्र से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे प्रेमी को एक्सेप्ट कर लूंगा, तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगा. इट इज लेट टिल देन एंड ही सीज हिज डॉटर ड्राउन इन द वायलेंट सी. लॉर्ड उलिन इज फुल ऑफ रिमोर्स एंड रिग्रेट. बहुत देर हो चुकी है, अब लॉर्ड उलिन की बेटी पानी में डूब जाती है और लॉर्ड उलिन दुख और पछतावे के साथ भरकर वहां पर बैठे रो रहे हैं. अब हम इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज लॉर्ड उलिन्स डॉटर डिफाई हर फादर एंड एलोप विद हर लवर. इसका आंसर है, लॉर्ड उलिन्स डॉटर गोज अगेंस्ट हर फादर बिकॉज ही इज एंग्री. ही डिड नॉट वॉन्ट हर टू मैरी द चीफटेन शी लव्ड. He was against this proposal probably because her lover was the chief of a rival clan. Lord Ullin ki beti apne father ke against jati hai, apne lover ke saath bhaag jati hai kyunki wo is ladke se shaadi karna chahti hai, lekin uske father is cheez ke against hai. Ho sakta hai uska jo lover hai wo Lord Ullin ke ek rival clan ka chief hai aur is wajah se wo unke is prem ke against hai. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोटमैन हु फेरीज द कपल अक्रॉस द सी. इसका आंसर है, द बोटमैन हु फेरीज द कपल हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज सपोर्टेड फ्रॉम इंस्टेंसेस फ्रॉम द पोएम. जो बोटमैन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर 1, ही इज ब्रेव एंड करेजियस एज ही अग्रीज टू टेक देम आउट इन द स्टॉर्म. ये जो बोटमैन है ये बहुत बहादुर है, बहुत करेजियस है क्योंकि वो इस तूफान में भी उन्हें अपनी बोट में ले जाने के लिए मान जाता है. ही इज रोमांटिक एज ही अग्रीज टू फेरी देम नॉट फॉर द चीफ्स सिल्वर पाउंड ऑफर्ड टू हिम बट फॉर द प्रिटी अट्रैक्टिव लेडी हु वॉज विद द चीफ. ये जो बोटमैन है ये काफी रोमांटिक भी है क्योंकि वो उन्हें अपनी बोट में लेके जाता है ना कि पैसों के लिए, लेकिन उस सुंदर लड़की के लिए जो कि इस चीफ के साथ है. क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. हिज हॉर्समैन हार्ड बिहाइंड अस राइड शुड दे आर स्टेप्स डिस्कवर देन हु विल चीयर माय बॉनी ब्राइड व्हेन दे हैव स्लेन हर लवर. अब इन लाइंस के बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज हिज इन लाइन 1. ये Who does us refer to? ये इसका आंसर है, his refers to Lion Ullin's horseman. His means Lord Ullin के horseman. And us refers to Lord Ullin's daughter and her lover, the Highland chief. Us refers to the lovers and his refers to Lord Ullin. B question है, explain cheer my bonny bride. इसका क्या मतलब है? आंसर है, चेयर माई बॉनी ब्राइड मीन्स कीप माई ब्राइड चेयरफुल एंड हैप्पी. कौन मेरी दुल्हन को खुश रखेगा जब मैं मर जाऊंगा. सी है, वाई वुड द लवर बी स्लेन. लवर कहता है, दे वुड हैव स्लेन हर लवर. क्यों वो लोग उसके लवर को क्यों मारेंगे. आंसर है, द लवर वुड बी स्लेन एज लॉर्ड उलिन वॉज अगेंस्ट हिज डॉटर एंड हर लवर. द लवर हैड एलोप्ड विद लॉर्ड उलिन्स डॉटर एंड सो ही वुड बी किल्ड बाय हिम. लवर को क्यों मारा जाएगा, क्योंकि लॉर्ड उलिन जो कि उस लड़की के फादर हैं, वो उस लवर के अगेंस्ट हैं और इस वजह से जैसे कि वो लवर लॉर्ड उलिन की बेटी को भगाकर ले गया है, लॉर्ड उलिन उसको पकड़कर मार देंगे. क्वेश्चन नंबर 4, द वॉटर रेथ वॉज श्रीकिंग.
Is the symbolism in this line a premonition of what happens at the end? Give reasons for your answer. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो हमने स्टैंजा 7 में पढ़ा था कि पानी में ऐसा लग रहा था कोई आत्माएं चिल्ला रही हैं, क्या वो एक प्रीमोनिशन थी, यानी कि पहले से एक संदेश था कि पानी में वो लड़की और उसका प्रेमी मरने वाले हैं? हमें इसके लिए जस्टिफिकेशन देनी है. आंसर है यस. द सिंबोलिज्म कैन बी सेड टू बी अ फोरकास्ट ऑफ द हैपनिंग्स दैट फॉलोड. हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिंबोलिज्म है. यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि बाद में समुन्दर में कोई हादसा होने वाला है और उसी का संदेश दिया जा रहा था पहले. द लवर्स डाई इन द स्टॉर्म एट सी, द वॉटर स्पिरिट इज बीवेलिंग देयर डेथ. ये जो प्रेमी है समुन्दर में डूब के मर जाते हैं, पानी में से बहुत सारी आत्माएं पहले से ही शोर मचाकर चिल्लाकर उनकी इस डेथ का संदेश दे रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट यूजेस वर्ड्स लाइक अडाउन, रोड, विच कंटेन हार्श कॉन्सोनेंट्स. व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज डन दिस? इसका आंसर है, द वर्ड्स लाइक अडाउन एंड रोड ब्रिंग आउट द एंगर ऑफ मैन एंड द फ्यूरी ऑफ नेचर. इन वर्ड्स से पोएट इस पोएम में हार्शनेस लाना चाहते हैं. वो ये दिखाना चाहते हैं कि लॉर्ड उलिन गुस्से से भरे हुए थे और एक बहुत ही बड़ा तूफान भी आया हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टैंसा 10 द पोएट सेज द बोट हैज लेफ्ट अ स्टॉर्मी लैंड अ स्टॉर्मी सी बिफोर हर. इन बोथ दीज लाइन्स द वर्ड स्टॉर्मी अज्यूम्स डिफरेंट कॉनोटेशंस. व्हाट आर दे? इसका आंसर है, अ स्टॉर्मी सी रेफर्स टू द फ्यूरी ऑफ नेचर एंड अ स्टॉर्मी लैंड रेफर्स टू द एंगर ऑफ द गर्ल्स फादर. स्टॉर्मी सी का मतलब है तूफान से भरी हुई समुन्दर, जहां पे आपको नेचर का गुस्सा देखने को मिलता है. और स्टॉर्मी लैंड रेफर्स टू उस लड़की के फादर का गुस्सा. क्वेश्चन नंबर 6, इन स्टैंजा 10 द पोएट सेज द बोट हैज लेफ्ट अ स्टॉर्मी लैंड अ स्टॉर्मी सी बिफोर हर. द लेडी फेसेस अ डिलेमा हियर. व्हाट इज इट? What choice does she finally make? Answer hai, the lady faces a dilemma to either face the storm at the sea or face her father's wrath. She chooses to brave the storm at sea. Is sentence se hame pata lagta hai ki Lord Ullin ki beti ke samne do raaste hain. Ya to wo pani mein aaye hue tufaan ka samna kare ya fir apne father ke gusse ka. और वो ये चूज करती है कि वो समुन्दर में आए हुए तूफान का सामना करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड उलिन रीच दैट फेटल शोर जस्ट एज हिज डॉटर लेफ्ट इट. व्हाई इज द शो कॉल्ड फेटल? द आंसर इज, हियर फेटल शोर इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट मैंने पहले भी बताया था, शोर के लिए ये जो एडजेक्टिव यूज हुआ है ये गलत वर्ड के साथ लगाया गया है. Lord Ullin's daughter who left the shore is about to die and so the shore is called fatal. Actually, sea is fatal, but here the shore is called fatal because just now Lord Ullin's daughter has left the shore and she has gone into the sea and she is about to die. Wo marne wali hai. Why does Lord Ullin's wrath change into wailing on seeing his daughter? Answer hai, when Lord Ullin sees his daughter trapped in the storm and he is unable to save her, his anger turns into wailing. Jab Lord Ullin ye dekhte hain ki unki beti pani mein qaid hai, is tufaan ki chapet mein aayi hui hai aur wo use bacha nahi sakte, to unka gussa rone mein badal jata hai. Unka gussa khatam ho jata hai aur wo rone lag jate hain kyunki unhe ab pata hai ki unki beti samundar mein doob jayegi, mar jayegi. Next question, one lovely hand she stretched for aid. Do you think Lord Ullin's daughter wanted to reach out to her father? If yes, why? The answer is yes, she wanted to reach out to her father. She wanted help. She wanted Lord Ullin to save her. That is why usne apna haath pani mein se bahar nikala hua tha. Wo apne father ko keh rahi thi ki please hame bacha lo. You are already familiar with the poetic device alliteration. Alliteration, I told you, it is the repetition of a consonant sound in two or more consecutive words. The poet makes extensive use of the same throughout the poem.
Pick out as many examples of alliteration as you can. जैसे जैसे जिस जिस stanza में alliteration आई थी हमने discuss की थी, यहाँ पर देखिए the instances of alliteration from the poem are as follows. Number one, his horseman hard. Her sound repeat हो रहा है. Number two, who will. Her sound repeat हो रहा है. Number three, bonnie bride. Her sound repeat हो रहा है. Next, hardy highland. Her sound repeat हो रहा है. Bonnie bird. Ver sound, water wraith, ver sound, stormy sea, sir sound, human hand, her sound, did discover, der sound, water wild went, ver sound, left lamenting, ler sound. So these are all the instances of alliteration from the poem. Question number 10, what is the rhyme scheme of the poem? Poem ki rhyme scheme kya hai? A, B, A, B. But in stanzas 6, 8 and 14, it changes to ABCB. Ye bhi humne un stanzas mein discuss kiya tha. With this, this poem comes to an end. Thank you.